नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ करेले की सब्जी। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ 500 ग्राम करेले को धो के छील के इस तरह के पीसों में काट के रखा हुआ है, और इनको मैंने नमक लगा दिया था। उसके बाद मैंने इनको धो के फिर से सुखा लिया है, और इसके लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बड़े बड़े प्याज को काट के रखा है, और 3 से 4 लहसुन की वो है कली, और ये मेरा अमचूर पाउडर, ये मेरी लाल मिर्च पाउडर, ये मेरा धनिया पाउडर, यहाँ हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर मैंने यहाँ थोड़ा ज्यादा लिया हुआ है, जीरा है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और ये मेरे रोस्टेड मसाले हैं जैसे राई, सौंफ और मेथी दाना। यहाँ मैंने सबको एक एक चम्मच लिया है और इनको तवे पे हल्का हल्का भून लिया है। इसको मैं इस प्याज के पेस्ट में मिक्स करके पीस लूंगी प्याज के साथ। और यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि हमें करेले सेकने के लिए थोड़े तेल की जरूरत है, तो इसमें हम करेलों को इस तरीके से सेकेंगे ब्राउन होने तक। हमारे करेले अच्छे से सिक जाएं, इनको सेकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन सब्जी बनती है, आप एक बार जरूर ट्राई करें। ये हमारे करेलों को आप देख सकते हैं कलर कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है, ये तल चुके हैं और हम इनको निकाल रहे हैं। इस तरीके से इनको निकाल लेंगे, हमें इनका तेल निकालना नहीं है क्योंकि ये हमारी सब्जी में आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारे करेलों को इसी तरीके से धीमे धीमे आंच पे सेक लेंगे। इनको हमेशा धीमी आंच पे सेकें जिससे ये अच्छे से सिक जाएं और जले नहीं। ये हमने सारे मसाले अपने मिक्सर में डाल लिए हैं, उनका हम पेस्ट बना रहे हैं। इस तरीके से आपको भी डाल के इनका पेस्ट बनाना है। ये हमारे करेले पूरे सिक चुके हैं, अब हम तैयार मसाले के साथ बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा तेल वही है जिसमें हमने करेले तले थे, अब हम उसमें जीरा डालेंगे। सबसे पहले हम इसमें तेल ज्यादा था तो हमने निकाल लिया है। ये हमारा जीरा भी हो गया, जो हमने पेस्ट बनाया वो इस टमाटर प्याज का, प्याज लहसुन का और मिर्च मसाले का वो ये। इसको हम इसमें अच्छे से भूनेंगे 3 से 4 मिनट। जब ये हमारा पेस्ट बन जाएगा तब हम इसमें धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब इसको हम अच्छा भूनने तक भूनते रहेंगे 3 से 4 मिनट। ये हमारी प्याज भून चुकी है, इसमें तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, अमचूर पाउडर सब डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और एक से दो मिनट इसको इसके साथ भूनेंगे, अच्छे से ये हमारा मसाला इसमें सिक जाए। ये हमारे मसाला अच्छे से हो चुका है, अब हम इसमें अपनी करेले डाल देंगे और इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस को हम लो फ्लेम ही रखेंगे और इसमें हम अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। आपको अगर मीठा पसंद है तो आप इसमें 1 टीस्पून चीनी भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करके छोड़ देंगे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पैक करके। ये हमारे करेले बिल्कुल गर्मा गर्म तैयार है, अब हम इनको गर्मा गर्म सर्व करेंगे।
देखिए आप ये अच्छे से मिक्स हो गए मसाले में और बिल्कुल तैयार है अच्छे से। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।